नमस्ते प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब आज हम करेंगे क्लास फाइव चैप्टर नंबर इलेवन सुनीता इन स्पेस के क्वेश्चन आंसर्स और उसके वर्कबुक सॉल्यूशंस तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन हु वॉज सुनीता विलियम्स वाई डिड शी कम टू इंडिया सुनीता विलियम्स कौन थी और वो इंडिया क्यों आई थी तो इसका आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स इज अ वुमेन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो है वो एक महिला एस्ट्रोनॉट थी शी केम टू इंडिया टू फुलफिल हर फ्रेंड कल्पना चावलाज ड्रीम टू मीट स्कूल चिल्ड्रन वो इंडिया में अपनी फ्रेंड कल्पना चावला की ड्रीम को पूरा करने आई थी जो कि था स्कूल चिल्ड्रन से मिलना क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम होम वो सुनीता इंस्पायर्ड इन हर चाइल्डहुड? सुनीता विलियम्स अपने बचपन में किससे इंस्पायर हुई थी मतलब किससे प्रेरित हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा सुनीता वॉज इंस्पायर्ड बाई कल्पना चावला इन हर चाइल्ड हुड सुनीता कल्पना चावला से अपने बचपन में प्रेरित हुई थी क्वेश्चन नंबर थ्री वट डिड सुनीता वॉन्ट टू तो बिकम शी वॉज यंग सुनीता जो है क्या बनना चाहती थी जब वो छोटी थी तो इसका आंसर हो जाएगा शी वॉज यंग शी वॉन्टेड टू बिकम अ टीचर जब वो छोटी थी तो वो एक टीचर बनना चाहती थी क्वेश्चन नंबर फोर व्ट डिड शी बिकम शी ग्रू अप जब वो बड़ी हो गई तो वो क्या बन गई तो इसका आंसर हो जाएगा वेन शी ग्रू अप शी बी केम एन एस्ट्रोनॉट जब वो बड़ी हो गई तो वो एक एस्ट्रोनॉट बन गई थी क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट रिकॉर्ड डिड सुनीता मेक सुनीता ने क्या रिकॉर्ड बनाया था तो इसका आंसर हो जाएगा सुनीता सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट बाय अ विमेन सुनीता ने सबसे ज्यादा टाइम तक स्पेस फ्लाइट में रहने के लिए रिकॉर्ड बनाया था क्वेश्चन नंबर सिक्स वट वॉज कल्पनाज ड्रीम कल्पना का क्या सपना था तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पनाज ड्रीम वॉज टू कम टू इंडिया एंड मीट स्कूल चिल्ड्रन कल्पना का ड्रीम था उसका सपना था कि वो इंडिया आए और स्कूल के बच्चों से मिले क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ डिड सुनीता डिस्क्राइब हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्पेस सुनीता ने स्पेस से जो अर्थ को देख रही थी उसे कैसे डिस्क्राइब किया तो इसका आंसर हो जाएगा सुनीता सेज अर्थ लुक्स ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग फ्रॉम द स्पेस सुनीता कहती है कि हमारी जो पृथ्वी है अर्थ है वो स्पेस से बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग लगती है देर आर नो लाइन्स ऑन द लैंड ओनली द ब्लू ओशंस एंड लैंड आर विजिबल फ्रॉम द स्पेस वहाँ पर हमें कोई ज़मीन पर लाइन दिखाई नहीं देती केवल नीले नीले कलर के महासागर और ज़मीन दिखाई देती है क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज अ ग्लोब ग्लोब क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा अ ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ जो ग्लोब है वो एक अर्थ का मॉडल है क्वेश्चन नंबर नाइन व्हेन वी थ्रो अ बॉल इन द एयर इट फॉल्स बैक व्हाई जब हम हवा में बॉल फेंकते हैं तो वापस नीचे गिर जाती है ऐसा क्यों होता है तो इसका आंसर हो जाएगा द बॉल फॉल्स बैक बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉल है वो वापस इसलिए आ जाती है क्योंकि हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपनी तरफ खींचती है चीज़ों को क्वेश्चन नंबर टेन राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ़ फॉर फोल्स स्टेटमेंट्स हमें ट्रू और फोल्स बताने जो स्टेट्समेंट सही हैं उनके सामने टी लिखना है जो गलत है उनके सामने एफ़ लिखना है नंबर वन द स्काई स्टार सन एंड मून आर इनसाइड द ग्लोब जो स्काई स्टार सन और मून होते हैं वो ग्लोब के अंदर होते हैं नहीं ये तो फॉल्स हो जाएगा नंबर टू फूड एंड वाटर ऑल्सो फ्लोट इन अ स्पेसशिप स्पेसशिप के अंदर फूड और वाटर तैरते हैं तो ये तो ट्रू है नंबर थ्री द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्सैल्फ जो अर्थ है वो सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है तो ये तो ट्रू हो जाएगा नेक्स्ट इज सुनीता विलियम्स वेंट सिक्स थर्टी किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ नो इट इज फॉल्स सुनीता विलियम्स 630 किलोमीटर धरती से दूर नहीं गई थी बल्कि 360 किलोमीटर गई थी नंबर फाइव देर आर लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स एंड कंट्रीज जो हमारी जमीन है उस पर स्टेट्स और कंट्रीज के बीच में लाइन्स खिंची हुई हैं नहीं ये तो फॉल्स है ये लाइन्स सिर्फ मैप्स और ग्लोब पे बनी हुई हैं रियलिटी में ऐसी कोई लाइन्स नहीं है क्वेश्चन नंबर इलेवन इन द ब्लैंक्स नंबर वन द ब्लू पार्ट्स ऑफ द ग्लोब आर डैश जो ग्लोपिया में ब्लू पार्ट दिखाई देता है वो क्या होता है तो वो सीज एंड ओशंस यानी कि सागर और महासागर है नंबर टू वाटर फ्लोट्स लाइक डैश इन स्पेस जो पानी स्पेस में तैरता है वो किस रूप में तैरता है तो वो ब्लोब्स के रूप में तैरता है नंबर थ्री सुनीता विलियम्स हैज़ बीन मोर देन डैश इन स्पेस सुनीता विलियम्स कितने दिन तक स्पेस में रही थी मोर देन सिक्स मंथ्स नंबर फोर सुनीता विलियम्स कुड ओनली मेक आउट द डैश एंड द डैश ऑन द अर्थ फ्रॉम स्पेस सुनीता विलियम जो स्पेस से देख पा रही थी अर्थ के ऊपर वो क्या देख पा रही थी केवल सीज को और लैंड को यानी कि समुद्रों को और धरती को चलिए ये हो गया चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में